बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मसाला पीस लेते हैं। ये देखिए इसमें डाली हूँ 3-4 मिर्ची और लहसुन की कलियाँ, और अब इसमें जा रहे हैं तोरी। तोरी को आप सरसों भी बोलते होंगे। अब इसमें डाल रहे हैं पानी। मसाले में पीसने टाइम जितने पानी लगेंगे उतने डाल के आप पीस लीजिए। गाइस मसाला पीस के तैयार हो चुकी है, अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरे स्टेप में अब टमाटर प्यूरी बनेगी, तो ये जा रही है मिक्सी जार में। तो गाइस देखिए टमाटर प्यूरी बन के तैयार हो चुकी है, अब चलते हैं तीसरी स्टेप। इसको अच्छे से धो लिए है, अब इसमें डाल रहे हैं हल्दी 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, जो तभी हम लोगों ने मसाला पीसे थे वो डाल दे रहे 1 चम्मच, थोड़ी सी धनिया पत्ते डाल दे रहे हैं इसमें। अब इन सभी को अच्छे से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेते हैं। ऑन कर लिए, अब इसमें कढ़ाई रख दिए, कढ़ाई थोड़ी सी धीप जाइए तब इसमें डाल दूंगी तेल। ये है तेल फ्राई होने के लिए मछली। अब थोड़ी सी तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो गई है, अब इसमें जाएंगे मछली तलने के लिए। एक बारी में जितने अटे आप उतना ही मछली दीजिएगा। पलट के देखते हैं कि हमारी एक तरफ अच्छे से सीखे हैं कि नहीं है। तो गाइस देखिए एक तरफ मछली अच्छे तरीके से पक चुकी है, अब दूसरी साइड अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें हमारे दोनों तरफ से मछली अच्छे से पक चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये मछली तल के रेडी हो चुकी है। मछली तलने के बाद जो तेल बच गई है, अब इसी में हम लोग बनाएंगे, रस बनाएंगे। तो इसमें पचफोरना डाल दे रहे हैं। अब इसमें जा रही है पीसी हुई मसाला। अब इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी। अब इसमें जाएगा टमाटर प्यूरी, 1 चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे, और तभी पीसे हुए भी थे लाल मिर्च पाउडर। अपने टेस्ट अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर डालिएगा, किसी को तीखा ज़्यादा पसंद है, किसी को तीखा कम पसंद है। 2 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए भूजते भूजते मसाला, देखिए इस तरह के कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए कढ़ाई छोड़ दी है मसाला, अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी डाल के अब इसे चला देती हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। अब इसे ढक देती हूँ उबलने के लिए। ये देखिए हमारी सूप उबल गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पत्ता। अब इसे फिर से ढक देती हूँ। मछली वो उबल चुकी है रस, अब इसमें मम्मी मछली डाल रही है। रस के साथ मछली उबलने, रस और मछली दोनों साथ में उबलने के बाद इतना टेस्टी लगता है ना, इसी को कहते हैं फिश करी। अब इसे अच्छे से ढक देते हैं उबलने तक। हमारी मछली बन के तैयार हो चुकी है, अब फिश करी बन के तैयार हो चुकी है। अब देखिए गैस अब बंद कर दे रही हूँ, अब इसे एक प्लेट में सर्व कर देती हूँ। देखिए फिश प्लेट में रख चुकी हूँ, अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर देती हूँ। ये
देखिए गाइस हमारा फिश करी बनके रेडी हो चुकी है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।